राज्यसभा चुनाव टल गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको फर्स्ट इंडिया दे रहा है। 26 तारीख को राज्यसभा के लिए मतदान वोटिंग, लेकिन अब यह खबर मिल रही है राज्यसभा चुनाव टल गए हैं, स्थगित हो गया है। लगातार इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या होगा, राज्यसभा के चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे। स्थिति अब साफ है, चुनाव आयोग की बैठक के बाद यह फैसला यह है कि राज्यसभा चुनाव टल गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 11 बजे का वक्त था जब चुनाव आयोग की बैठक होनी थी, बैठक हो चुकी है। बैठक में यह फैसला निकलकर सामने आया है कि फिलहाल जो स्थिति है ताजा अभी देश भर में, उसके मद्देनजर राज्यसभा के चुनाव फिलहाल के लिए टाल दिए गए हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया पहले से ही लगातार ये कह रहा था कि हो सकता है कि राज्यसभा के चुनाव फिलहाल के लिए टाल दिए जाएं। हालातों को देखते हुए, ताजा हालातों के मद्देनजर अब ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। 26 तारीख को होनी थी राज्यसभा के लिए वोटिंग, राज्यसभा चुनाव होने थे 26 तारीख को, लेकिन अब ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि राज्यसभा के चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। 26 मार्च वो तारीख जब मतदान होना था, लेकिन अभी जो अपडेट मिल रही है वो ये है कि राज्यसभा चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं, स्थगित हो गए हैं। लगातार असमंजस की स्थिति, क्या कुछ होगा और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, ये बड़ी खबर है, किस लिहाज से इसको देखा जाए, क्योंकि लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, ताजा हालात जो देश भर में बने हुए हैं उसके मद्देनजर। देखिए दीपा, जिस तरह से हम संकेत दे रहे थे, ना केवल आज संकेत दिए बल्कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम ये बता रहे थे कि राज्यसभा चुनाव टल सकते हैं, और मौजूदा हालात के मद्देनज़र पूरे राजस्थान को लॉकडाउन कर दिया गया है मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा, और उसके बाद एहतियात के तौर पर तमाम वो कदम उठाए गए। तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे थे। एक साथ तमाम लोगों को बुलाया जाना, फिर तमाम विधानसभा क्षेत्रों से विधायकों का आना, दूर दराज से लोगों का आना, उन इलाकों से भी आना जो सर्वाधिक इफेक्टेड एरियाज हैं, जहां पर सर्वाधिक कोरोना के पेशेंट्स मिले हैं, यूँ कह सकते हैं हम, चाहे वो भीलवाड़ा जिला हो जहां पर बेहद टेंशन है, पैनिक क्रिएट वहां हो चुका है। ऐसे में तमाम हालात के मद्देनज़र राजस्थान ने ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से कोरोना का कहर है और उससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये जो सूचना मिली है चुनाव आयोग के जरिए कि टल गए हैं चुनाव या आगे पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं, निश्चित तौर पर ये संभावनाएं लग रही थी और उसी दिशा में ये बात आगे बढ़ी है। और अभी हम बीजेपी कार्यालय, यहाँ पर बैठक की पूरी तमाम तैयारियाँ इस वक्त हो चुकी हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया और तमाम प्रमुख नेता, राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत, ओंकार सिंह लखावत, वो भी पहुंचे हुए हैं। अभी सतीश, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, वो मौजूद हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद हैं और पार्टी के कई विधायक यहाँ पहुंचे हैं। और ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति का मैं रुक करूंगी। अदिति, लगातार ये हम कह रहे थे कि हो सकता है ताजा हालातों को देखकर चुनाव टल सकते हैं, अब हुआ भी वही, चुनाव टल गए फिलहाल के लिए। देखिए सिचुएशन देखते हुए चुनाव टलना नहीं, लगातार हम कल से बता रहे थे और अभी बैठक हुई और उसके बाद चुनाव को डेफर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे खास बात ये कि राज्यसभा 10 अप्रैल को खाली हो रही है, समाप्त हो रही है, तो ऐसे में जो 55 सीटों पर चुनाव तो फिलहाल टाल दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि राज्यसभा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राज्यसभा खाली नहीं रह सकती, तो ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि करीब 8 या 9 तारीख के अंदर अंदर चुनाव भी करने होंगे। लेकिन फिलहाल कोई समय सीमा तय नहीं की है, लेकिन टालने की बात सामने आ गई है। तो इसको देखते हुए ये तो साफ है कि जो 26 तारीख को 55 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने थे, वो अभी इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल प्रेस रिलीज जारी करते हुए अनाउंस कर दिया है कि वो टल चुके हैं। लेकिन ये भी बात है कि ये कब तक टले हैं, क्योंकि 10 अप्रैल को राज्यसभा चुनाव जो है वो सीटें खाली हो रही है, तो ऐसे में 10 अप्रैल से पहले पहले चुनाव होने हैं। लेकिन ये बात सच है कि हम कल से विधायकों की बैठकों की बात कर रहे हैं, तमाम विधायक, जो अभी योगेश जी ने कहा कि तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और ऐसी ऐसी जगह से पहुंचे हैं जो इलेक्टेड हैं। पहले बैठक सुबह थी, अब शाम को बैठक कांग्रेस की है, 5 बजे बीजेपी में सारी तैयारियां हो गई हैं, और इस बीच में राज्यसभा चुनाव टल गए हैं। तो इसको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखा जाए तो कोरोना की वजह से टल गए हैं, और ये बेहतर कदम है क्योंकि जब पार्लियामेंट और से लेकर पूरा देश लॉकडाउन है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल एंगल है, तो खास तौर पर राजस्थान में बार बार बीजेपी और कांग्रेस के आपसी क्रॉस वोटिंग और संपर्क की बात आती है, उसको लेकर अब पॉलिटिकल गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अगले 10 दिन आप पॉलिटिकल गतिविधियों को
अदिति, लेकिन अभी टले हैं, कोई समय बताया नहीं गया है कि कब वोटिंग होगी। क्या कोई डिटेल वहां से मिले हैं कि क्या प्रक्रिया होगी, क्या नए सिरे से इसकी शुरुआत होगी उसके बाद फिर जब चुनाव कराए जाएंगे? देखिए हाँ, इसकी एक पूरा प्रोसेस होता है। हाँ। ये सारी चीजें अभी तक इलेक्शन कमीशन के बाहर से सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बात तय है कि मैंने आपको अभी कहा कि 10 अप्रैल को राज्यसभा खाली हो रही है, तो ऐसे में राज्यसभा के लिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो खाली नहीं रह सकती, तो 8 तारीख तक इसको चुनाव कराने होंगे। लेकिन देश में सिचुएशन देखते हुए चुनाव आयोग दोबारा से एक बार बैठक करेगा और इसकी जो आगे की प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस दोबारा होगा या क्या चीजें होंगी, लेकिन समय सीमा भी कम है, तो ऐसे में अभी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज को और समझना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आगे प्रोसेस दोबारा होगा। और क्योंकि उन्होंने समय सीमा नहीं दी तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 7-8 बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। हो सकता है कि चुनाव आयोग स्थिति को, तस्वीर को और क्लियर कर दे और साफ कर दे। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, योगेश जी के पास मैं जाऊंगी। योगेश जी, ये होना ही था या फिर ये जरूरत भी था? अभी जरूरत भी थी क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए, ऐसे हालातों में चुनाव ना हो ये लगातार अंदर खाने से आवाज आती रही, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही तरफ से लगातार ये कहा गया कि अभी चुनाव ना ही हो तो अच्छा है, ताजा हालात ऐसे है नहीं देश भर में। ये बात सही है कि तमाम हालातों के मद्देनजर ऐसा किया गया है, और जैसा हमारी सुबह बात हुई थी महेश जोशी से, उनका बयान आया था और उन्हें कहा था कि अगर चुनाव स्थगित होते हैं तो जो विधायक जयपुर आ रहे हैं वो फिर अपने घर जा सकते हैं, उन्हें शाम को 5 बजे तक आने की आवश्यकता नहीं है, और बैठक को लेकर जो बाध्यता है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के फैसले पर तमाम बातें निर्भर करती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले बैठक बुला ली है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो 11 बजे बैठक बुलाई थी अभी भी 20 विधायक भी पूरे नहीं पहुंचे हैं, तो ये देख सकते हैं कि क्योंकि अचानक कॉल किया गया था इस बैठक को लेकर, तो अभी जो विधायक बैठक में पहुंचे हैं वो ही मौजूद हैं, तकरीबन 15 से 20 ही संख्या अभी हॉल के अंदर बीजेपी में नज़र आ रही है। और लेकिन अब चुनाव आयोग के जो नया निर्देश है उसके तहत अब चुनाव टले हैं, तो ऐसे में कोई ज़्यादा यहाँ पर बैठक को लेकर या मतदान के बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका, भी आदित्य आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए अपडेट हम